रोमन रेस एंड जॉन सीना के बीच प्रोमो वॉर देखी स्मैकडाउन के अंदर। और भाई मतलब दोनों ने इस पूरे के पूरे सेगमेंट के दौरान अपनी पूरी की पूरी लिमिट क्रॉस कर दी। और भाई दोनों ने भी इस पूरे सेगमेंट के अंदर भाई बहुत तगड़ा बवाल मचा दिया था। और भाई इसके अंदर हमने WWE के कुछ बड़े सुपरस्टार के नाम यहाँ पर ड्रॉप होते हुए दिखा देते, जिसके अंदर शामिल होते अपने जॉन मॉक्सली, निकी बेला, रिक फ्लेयर एंड अपने द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk। और भाई क्या इस चीज से ये माना जा रही है इन सभी का इससे कोई रिलेटेड है? तो भाई इसके बारे में बात करने वाले, क्या ये पूरी अपडेट इसके बारे में एक वीडियो के अंदर कवर करने वाले। साथ ही में बैकी लिंच भी ट्रेनिंग कर रही है अपने WWE रिटर्न के ऊपर, तो भाई बैकी लिंच भी करने वाले अपना ट्रेन। और भाई साथ ही में अपने जिंदर महाल भी बनने वाले हैं नए WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर को हराने के बाद। तो भाई बहुत सारी बड़ी अपडेट्स वीडियो में कवर करने वाला, तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को आप लोग जो है लास्ट तक जरूर देखना। और भाई चैनल अपने तो गाइस आपको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को देर नहीं करते। सबसे पहले गाइस बात कर लेते अपने बैरन कॉर्बिन के बारे में, जो कि गाइस बन चुके हैं एक मनी इन द बैंक विनर। तो देखो जैसे स्मैकडाउन होता है उसके अंदर बिगी का जो मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस है वो अपने बैरन कॉर्बिन चुरा ले जाते हैं। और भाई यहाँ पर से वो निकल जाते हैं और भाई बैकस्टेज हुआ एक प्रोमो दिखाया जाता है कि यहाँ पर से बैरन कॉर्बिन लेकर भाग रहे हैं। और भाई वो बोल रहे हैं कि अब मेरे पास मनी इन द बैंक, मेरे पास पैसे पैसे है और मैं अब बनने वाला हूँ चैंपियन, और भाई मुझे काफी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली। तो देख लेते गाइस क्या होता है बैरन कॉर्बिन के साथ में। और भाई क्या जो बैरन कॉर्बिन है क्या उनके लिए या तो कुछ होने वाला या फिर नहीं, बट लेट्स सी ये थिंग कैसी होती है। और भाई क्या बिगी किस तरीके से अपना मनी इन द बैंक का जो ब्रीफकेस है वो बैरन कॉर्बिन से छीन लेते, ये देखना एक इंटरेस्टिंग बात होगी। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते गाइस एक WWE के नहीं बल्कि एक ओलंपिक सुपरस्टार के बारे में, जो कि WWE के अंदर आने वाला है वापस। और भाई यहाँ पर से जो है सुपरस्टार है उन्होंने गाइस गोल्ड मेडल दिलवा दिया है अमेरिका को। और भाई स्टीफन इनका नाम है, तो भाई यहाँ पर से ये फिलहाल WWE के अंदर आने की अपनी जो सोच रहे। और भाई इनको फिलहाल जो है WWE के आने के अंदर वो इंटरेस्टेड है। और भाई उन्होंने जॉन सीना एंड रोमन रेंस के मैच के अंदर जो है प्रेडिक्शन भी की है अपने ट्रैवल चीफ रोमन रेंस को। और भाई यहाँ पर से ये फिलहाल उन्होंने बातें कही। और भाई यहाँ पर से ये हमें जो है गेबर स्टीव्स जो है यहाँ पर से WWE के अंदर बहुत जल्द दिखा दे सकते। तो भाई देख लेते क्या होता है। और भाई ये मेरे ख्याल से WWE के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, भाई अमेरिका के अंदर जो है ओलंपिक से गोल्ड मेडल सुपरस्टार उनके कंपनी के अंदर आने वाला, ये काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। लेकिन लेट्स सी देख लेते, लेकिन इतनी जल्दी भी इतनी ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकती। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात कर लेते अपने ब्रॉन्सर रीड के बारे में, जिन्होंने गाइस अपना AEW का जो है डेब्यू टीज किया। और भाई यहाँ पर से उन्होंने भी चैलेंज किया है मीरो को उनके TNT चैंपियनशिप के लिए। तो यहाँ पर से ब्रॉन्सर रीड अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू एक ट्वीट पोस्ट करते हैं। और भाई इस ट्वीट के अंदर एक ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि आप ज्वाइन करोगे तो भाई यहाँ पर से जो है दिखाया देता है कि भाई जो एंडिंग के वर्ड्स आते हैं वो आते हैं MIRO यानी कि मीरो। और भाई मीरो है अपने AEW के अंदर यानी कि अपने रूसेफ, और भाई उनके हाथ में है TNT की चैंपियनशिप। तो भाई यहाँ पर से फिलहाल हमें ये थिंग दिखा दे सकती कि भाई यहाँ पर से जो है AEW के अंदर जो है अपना जो यहाँ पर से डेब्यू कर सकते हैं ब्रॉन्सन रीड, जो कि बजट कट के थ्रू उनको WWE से रिलीज दिया है। तो भाई यहाँ पर हमें ये एंगल दिखा दे सकते कि भाई इन फ्यूचर जब भी AEW के अंदर डेब्यू का ब्रॉन्सन रीड का, तो भाई काफ़ी बढ़िया मजा होने वाला। और भाई दोनों हैवीवेट्स के बीच TNT चैंपियनशिप के लिए काफ़ी बड़ा मुकाबला होने वाला है, तो देख लेते हैं। और मैं काफ़ी ज़्यादा इस मैच के लिए एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात कर लेते हैं द मैन बैक लिंच की अपडेट के साथ में, जो कि जुड़ी है गाइस सेथ रॉस के साथ ट्रेनिंग कर रही है। और भाई यहाँ पर से फिलहाल एक फिलहाल जो है काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ चुकी है, जो बैक लिंच है वो हमें जो है ट्रेनिंग करते हुए दिखा दे रही है सेथ रॉस के साथ। और भाई यहाँ पर से फिलहाल जो है सेथ रॉस के साथ वो ट्रेनिंग कर रही है। और भाई यहाँ पर से बातें आ रही है और भाई सेथ रॉस जो है ब्लैक एंड ब्रेव जो है जिम है उसके अंदर ये दोनों मिलकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक दूसरे जो है ट्रेन कर रहे हैं। और भाई सेथ रॉस स्पेशली जो है बैक लिंच को ट्रेन कर रहे हैं। और भाई यहाँ पर से दोनों एक साथ ट्रेन हो रहे हैं और भाई यहाँ पर से बैक लिंच स्पेशली ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो भाई इसका एक ही मतलब है कि यही बैक लिंच जो है WWE के अंदर रिटर्न करने की कोशिश है। और भाई बैक लिंच में बहुत जल्द WWE के अंदर रिटर्न होते हुए दिखाई दे सकते। भाई देख लेते सारी चीज पॉसिबल होती है, लेकिन बहुत जल्द बैक लिंच में जो एक्शन के अंदर बैक होते हुए दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करें कि अपने मॉडर्न डे महाराजा जिंदर माल के बारे में, जिन्होंने कहा है कि वो भी बनने वाला है न्यू WWE चैंपियन। तो जिंदर माल का एक अर्ली इंटरव्यू होता है जिसके अंदर वो बात करते कैसे जो है मैं ड्रू मैकइंटायर को हराने वाला हूँ और मैं पहले WWE से रिलीज हुआ, उसके बाद वो भी रिलीज हुआ ड्रू मैकइंटायर, लेकिन मैं आया उसके बाद WWE चैंपियन बना और भाई ड्रू मैकइंटायर ने भी ऐसा किया, उसके रिलीज के बाद वो आया और भाई वो भी बन गया WWE चैंपियन, लेकिन सब मेरे टाइटल से ज्यादा उसके टाइटल को अप्रिशिएट करते, सब जो कहते कि उसका टाइटल रेन काफी बढ़िया था, बल्कि मेरा काफी अच्छा टाइटल रेन था और भाई मुझे एक बार फिर जो एक बार जो है WWE चैंपियनशिप का मौका मिलना चाहिए और मैं ड्रू मैकइंटायर को समर स्लैम के अंदर हरा कर बनने वाला हूँ।
नंबर वन कंटेंडर में, उसके बाद WWE चैंपियन को चैलेंज करने वाला और फिर एक बार में बनने वाला हूँ न्यू WWE चैंपियन। भाई ये फिलहाल कुछ बड़ी बातें कहते हैं अपने जिंदर महाल, और भाई जिंदर महाल भी आने वाले समय के अंदर हमें जो WWE टाइटल पिक्चर के अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं, बट लेट्स सी क्या होता है इन दोनों के बीच थिंग्स। लेकिन समर स्लैम से पहले भाई जिंदर महाल ड्रू हैंगर डायर से तुम्हें निपट लेना। मेन स्टोरी की हम लोग बात करते हैं जो कि जुड़ी है रोमन रेंस अपने जॉन सीना के पार्ट टू प्रोमो के बारे में, जो कि हमें जो इनके समर स्लैम के राइवलरी के अंदर एक काफी बिगेस्ट रोल प्ले करते हुए दिखा। और भाई यहाँ पर से इस प्रोमो के अंदर वन ऑफ द बेस्ट बिगेस्ट प्रोमो मेरे ख्याल से स्मैकडाउन के ओपनर के अंदर था। और भाई रोमन रेंस ने जॉन सीना ने एक दूसरे को जो है फिजिकल एक्शन के अंदर ना होते हुए भी इन दोनों ने ऐसा प्रोमो डिलीवर किया है जो कि भाई अपने आज में अपने आप में जो यहाँ पर से बहुत बड़ी हाइप क्रिएट करता है। तो देखो यहाँ पर से फिलहाल क्या बात है कि भाई यहाँ पर से फिलहाल ये प्रोमो सार का सारा किसने डेडिकेटेड किया था, तो भाई फिलहाल ये सार का सारा प्रोमो के पीछे अपना माइंडसेट था अपने पॉल हेमन का, साथ में WWE के कुछ JNJ सिक्योरिटी के जो मेंबर्स हैं वो भी इस पूरी थिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट थे। और भी बात आती है WWE सुपरस्टार के नाम से इनकी, यानी कि निकी बेला हो जैसे, और भाई यहाँ पर से रोमरेस ने नेम स्पेशली मेंशन किया था। तो भाई यहाँ पर से ये फिलहाल जो सारी की सारी थिंग जो है रोमरेस ने जो खुद से कह दी है फिलहाल पॉल हेमन का माइंडसेट था। और भाई रिक प्लेयर का भी यहाँ पर से नाम आ जाता है, क्योंकि रिक प्लेयर को यहाँ पर से कह दिया जॉन सीना कि मैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनकर रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं, तो भाई यहाँ पर उनका नाम मेंशन होता है। बट स्पेशली मेंशन नाम होता है कि अपने डीन एम्ब्रोस का। और भाई क्या डीन एम्ब्रोस के फिलहाल क्यों नाम मेंशन किया, इसके पीछे भी फिलहाल कुछ अभी फिलहाल जो अननोन रीजन है। और भाई जो CM Punk का नाम मेंशन किया था अपने जॉन सीना ने कि भाई वो मैं ऑडियंस के अंदर भागकर तुमको जो फ्लाइंग किस देने वाला हूं रोमन रेंस, और भाई ऐसा CM Punk ने किया था। और भाई जब जॉन सीना को CM Punk ने हरा दिया था उसके बाद वो कहते ऑडियंस के अंदर बन गए थे न्यू WWE चैंपियन, और भाई उन्होंने फ्लाइंग किस लिया था सुपरस्टार को। और भाई यहाँ पर से ये फिलहाल बात है कि, और भाई यहाँ पर ये जा रही थिंग थी वो यहाँ पर से रची गई थी। और भाई यहाँ पर से सारा का सारा जो है दोनों के ये पॉल हेमन रोमन रेंस जॉन सीना पूरे किस थिंग के अंदर अपन उनकी स्क्रिप्टिंग के अंदर तीनों की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी। और भाई ऐसे इसको दिखाया गया कि भाई ये अनस्क्रिप्टेड था। और भाई मेरे ख्याल से जो नो मर्सी के टाइम दोनों के बीच जो प्रोमो और हुई थी ना उससे मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया प्रोमो और लग रही थी। और भाई ये फिलहाल और भी इसके ऊपर नई अपडेट आ चुकी है, और भाई यहाँ पर से ये फिलहाल दी है नई अपडेट। और भाई यहाँ पर से ये सारे के सारे थिंग थे। और भाई यहाँ पर से ये फिलहाल है रूमर रेंस एंड अपने जॉन सीना के प्रोमो के ऊपर सारी की सारी बातें। तो कोई सी भी आए आज की हमारी वीडियो कैसे, अगर आपको हमारी आज की वाली वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल ऑन ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो बस इतनी से थी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।